थोड़ा सा धूप है, इधर खड़ी हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले जो है मैंने चारपाई निकाल ली है थोड़ी सी, मैंने कहा धूप लगवा लेती हूँ, सुबह के नाश्ते से फ्री हो के अब जो है बैठती हूँ। काम काज भी मैंने सुबह वाले सारे कर लिए हैं, उसे जो है वो दोपहर के खाने की रूटीन शेयर करूंगी। तो मेरे पास फ्रूटर पड़े हैं, उनको मैंने धो के रखा था, वो चलो मैं ले आती हूँ। जो है ना अभी किचन की सफाई तो मैंने कर ली है, लेकिन चेयर जो है ना कि मेरे पहले निकाल ली है, तो इसको भी अभी रखनी है। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना बैठ के ना फ्रूटर खा लें। तो अब जो है बहुत अच्छी धूप है, मज़े की धूप है, और ये देखें जी बहुत मज़ेदार जो है ना फ्रूटर आए हैं गाइस। तो अभी इनको जो है वो बैठ के खाएंगे। और बहुत आज ना तो मैं कहीं गई हुई थी, जब वापसी पे आई हूँ तो मैंने देखा एक रेडी वाले के पास ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रूटर है, 60 रुपये किलो दे रहा है, तो मैं ले आई 2 किलो। तो जो है ये मैंने खा लिए, अब मैं दोपहर का खाना शुरू करती हूँ क्योंकि स्कूल से बच्चे आने वाले हैं, टाइम हो गया है और अभी तक सालन नहीं बना, तो जल्दी जल्दी से जो है सालन बना लेते हैं। और तो किचन चलते हैं आए। अच्छा जी, अभी इसको भी देर है, ये भी उबल जाता है। और मैं आप लोगों को ना एक आज मजे की चीज दिखाती हूँ, वो क्या चीज है। एक मेरी कजन आई थी और एक जो है ना वो सबा की अम्मी आई थी, तो ना वो दोनों मतलब आपस में कजने हैं, मेरी भी कजने हैं, तो वो आई हुई थी और सबा के लिए आज क्या लेके आई है। आज वैसे मैं भी बाहर गई थी ना, तो मैं भी किन्नू लेके आई थी, तो बस मैं बैठी थी आधे घंटे बाद वो हमारे घर आ गई हैं दोनों। तो वो सबा के लिए जो है ना वो क्या चीज लेके आई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सबा की अम्मी की देखे गाइस, इधर देखे, इधर मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये जो है सबा की अम्मी जो है सबा के लिए सेब लेके आई है और सबा के लिए फ्रूटर लेके आई है। और ये देखें, तो बच्ची है ना उसकी, तो वो जो है ना खुश हो रही थी कि ना आज सबा भी बहुत खुश है क्योंकि उसकी अम्मी आई हुई है, लेकिन शाम हो गई है, वो सारी जो है वो बाहर गई हुई है घूमने फिरने, सबा भी साथ गई है और मैं जो हूँ उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो बस वो कजने भी है, मेरी बहनें भी हैं, तो बस मिलके जो है ना, तो बस खुशी ये है गाइस आज सबा बहुत खुश है, उसकी अम्मी आई हुई थी और उसके लिए जो वो फ्रूट लेके आई थी। तो सबा कहती है क्या बात है, तो बस अभी वो ना उनकी अम्मी और वो कहीं हुई है बाहर, तो मैं इधर जो है खाना बना रही हूँ। अभी मेरे सालन को थोड़ी सी देर है, अभी जो है ना ये मैंने दो पत्तम जो है कुछ धोने थे, इनको भी धो लेती हूँ गाइस। गाइज मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं इधर दूसरा काम कर रही थी, दूध जो है उबल गया और बाहर निकल आया, सारा चूल्हा जो है ना ये खराब हो गया। ये देखिए अंदर तक दिखा रही हूँ, ये देखिए जी, ये देखिए गाइज सारा दूध जो है ना इधर से उबल गया, गिर गया। ये मैंने इसलिए नीचे रखा था, ये देखें, ये जो है ना ये मैंने इसलिए नीचे रखा था ना, मैंने मतलब जैसे कोई चीज चूल्हे के नीचे से गिरती है दूध, ये जो है ना इसलिए ताकि हम इसको उठा के धो लें तो नीचे खराब ना हो। चलें अब जो है चूल्हा साफ करना पड़ेगा फिर से। अच्छा जी गाइज, सालन तो तैयार हो चुका है और अब जो है मैं रोटियां बना रही हूँ। और एक मजे की बात आप लोगों को बताती हूँ, ये रोटी बेल लो ना, मजे की बात बताती हूँ। अच्छा, तो पता क्या वो बात है, बात वो ये है कि सबा की अम्मी और कजन मेरी जमाई है ना, तो उस टाइम जो है ना मैंने आलू गोश्त पहले से बना रही थी ना, मुझे नहीं पता था ये आ रही है, इन्होंने मुझे कॉल करके भी नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, नहीं तो बंदा स्पेशल बनाता है मेहमानों के लिए कुछ। अच्छा ये अचानक से आई है, तो तब जो है ना वो मेरा गोश्त गल चुका था, अब मुझे कह रही है कि आप हमें आलू गोश्त खिला रही हो, मैं नहीं खाना, हमें सोबत खिलाओ, वो भी देसी मुर्गी वाली। तो अब देखे ये आई है गाँव से, देसी मुर्गी लेके आती ना, तो मैंने कहा ठीक है आप लोगों की सोबत पक्की, ये मैं आप लोगों को खिलाऊंगी लेकिन मुर्गी आप खुद लेके आओगे। तो ना आज तो मैंने कहा यही खाओ जो बना हुआ है,
इंशाल्लाह वो भी सबक अम्मी कह रही थी ना, मैं आप लोगों को मुर्गी भिजवा दूंगी या शायद उसका कोई काम है इधर दोबारा चक्कर लगे कोई हफ्ते 10 दिन बाद, या शायद कह रही थी कि सबा के ना मतलब एक और है मामू वो उसने आना है तो शायद वो लेता है कल या परसों, अगर वो ले आया मुर्गी तो फिर हम सोबत बनाएंगे आप लोगों के साथ भी सारे मिलके खाएंगे गाइस। तो अभी इनका गिला नहीं बनता क्योंकि वो मैं सब कुछ पहले से, या तो ये कॉल कर देती तो मुझे क्या पता था ये आ रही है तो मैं कुछ और बना लेती, कुछ स्पेशल बना लेती, गोश्त बना लेती उसमें आलू ना डालती, लेकिन घर वाली बात है तो वो खैर मैं मजाक कर रही हूँ वो भी मुझसे मजाक करेंगी। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मैंने कहा मैं बताऊंगी गाइस को भी बताऊंगी क्योंकि वो सबा के भी तो फैंस हैं। और दूसरा ये था गाइस के ना, खैर मैं ये रोटी डालूं, और जो ना सबा के अम्मी फ्रूट लाई थी इतना, वो मैं कह रही थी कि मैं ना यूट्यूब पे ना सबको दिखाऊंगी, कहती है मैं इसीलिए तो लेके आई हूँ उसको, कहती है मैं जानबूझ के लेके आई हूँ तुम दिखा दो, मैंने कहा मैंने फिर आप लोगों को दिखा दिया, आप ये ना कहना। लेकिन ये है कि खलूस देखना चाहिए, प्यार मोहब्बत देखना चाहिए, ये तो खैर मैं मजाक कर रही हूँ क्योंकि उसे भी पता है और हमारा मजाक चलता है गाइस। तो एक ही घर है, घर वाली बात है, कोई इतना फर्क नहीं है, हम लोग इकट्ठे खाते पीते हैं, जो भी दाल साग बना हो ना तो हम मिलके और खुशी खुशी खा लेते हैं। तो सबसे बात अहम बात ये होती है कि ना बंदा जो है ना खाता तो हर बंदा अपने घर भी है, ये बात नहीं है, खाने पीने के लिए कोई नहीं आता जाता, प्यार मोहब्बत खलूस जो है ना ये कायम रहे, बाकी खाने का क्या है, वो तो हर बंदा अपने घरों में खाता है, अच्छे से अच्छा खा रहा होता है। तो बस यही खुशी है हमें कि ये हमारी मेहमान नहीं है, इनका अपना घर है, जब भी आती है जो भी बना होता है वो हम लोग मिल के खाते हैं। तो ये मैं आपको जरा चेक करवा दूं, ये आप जरा देखिएगा इस रोटी जो है ना, ये भी आज मेरी लगता है मेरी जल जानी है, चम्मच उठा लूं। अच्छा ये देखिएगा ये भी अच्छा बना है आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो ये भी बुरा नहीं बना, तो हम मिल के ही खाएंगे जैसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हर हाल में अल्लाह तआला के ना, वो कहते हैं ना कि हर हाल में जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तो बस हम जो है ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये रोटी बन गई, दूसरी मैंने अभी बेलनी है रोटी। तो गाइस बस यही है, आप सबका चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबा क्या कहती होती है बेल के बटन पे चढ़ के बह बन ले, शेयर करने अच्छा अच्छा कमेंट्स भी जरूर आप लोगों ने पास कर देना, सबा इधर होके क्यों बैठी हो छुप के, और जल्दी 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 आओ सबा, आपने क्या कहना है सबा की अम्मी आज क्या लेके आई है, सबक मरियम क्या लेके आई है, अभी ये बाहर गई थी तो अभी ये वापस आई है घूमने गई हुई थी। अच्छा सबक मरियम क्या लेके आज, तो सबा बहुत खुश है गाइस क्या लेके, दुपट्टा पहन के खड़े होते हैं ऐसे नहीं उठते बेटा, चलो अच्छा चले गाइस इंशाल्लाह, अभी मैं अल्लाह हाफिज करती हूँ, इसको थोड़ा सा तमीज सिखाती हूँ, ये दुपट्टा ये बट्टा कर ले, तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको खुश और खुशहाल रखे, आमीन सुम आमीन, अल्लाह हाफिज।